अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फैयाज खान, शाह खान, बहुत एक खुशखबरी है जो आप लोगों के दरमियान में रखना चाह रहा हूँ। किंग साद वालेकुम अस्सलाम, आसिफ भाई वालेकुम अस्सलाम, फरीद भाई वालेकुम अस्सलाम, मोहम्मद अब्दुल मोहित वालेकुम अस्सलाम, आमिर शिगा वालेकुम अस्सलाम। खुशखबरी है, अल्लाह का करम है, नौजवानों की ताकत अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े लोगों को भी जो है झुकने पे मजबूर कर देती है। जो जुल्म के खिलाफ जो हम लोगों ने आवाज़ उठाई है, अल्लाह के फजलो करम से हमारी आवाज़ दूर दूर तक पहुंचती है और हमारी जिद्दोजहद कामयाब भी होती है। तो अल्लाह का फजल मैं करता हूं और अल्लाह का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, साथ ही साथ आप लोगों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं। आप लोगों को पता होगा कि सिर्फ एक दिन के अंदर जैसा कि जो कब्रिस्तान के ऊपर 5 स्टार तामीर करने की बात और अफजलगंज की जो वक्फ प्रॉपर्टी के ऊपर एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने की बात, जो वक्फ प्रॉपर्टी जो लीज पे करने की जो बात वक्फ बोर्ड से की गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर रोक लग गई है। अल्लाह के फजलो करम से, अल्लाह के एहसान से, आप लोगों की दुआओं से ये चीज़ों के ऊपर रोक लगा दी गई है। तो इसका मतलब अगर हम जिद्दोजहद करेंगे, अगर हम कामयाबी के तरफ अगर हम अगर अपने हौसले को बुलंद कर जाएंगे तो कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। अल्हम्दुलिल्लाह ये HYC की जीत है, HYC के नौजवानों की जीत है अल्लाह के करम से, क्योंकि आप लोगों ने जो वीडियो को शेयर किया है अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े लोगों को झुकने पे मजबूर कर दिया। तो इंशाअल्लाह जितने भी वक्फ प्रॉपर्टियां हैं जो आपके और हमारे हैं, जो यतीमों के, बेवाओं के, मजलूमों के, मुसलमानों के जायदाद है, और ये जायदाद हम कोई जो है ना काफिरों के हाथ में और 5 स्टारों के होटलों के हाथ में, ये दुनिया में जो बड़े बड़े जो पैसे वाले लोग हैं, जो साहिब इस्तेदात है, जो दौलतमंद है, उन लोगों के हाथ में हम ऐसे यूं ही नहीं जाने दे सकते। हम नौजवान जब तक जिंदा है, जब तक इसके खिलाफ हम आवाज़ उठाते रहेंगे इंशाअल्लाह, जब तक आप लोगों का साथ रहेगा, HYC जिंदा है इंशाअल्लाह, आप लोग जो दुआएं देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी होती है। देखो मेरे भाई, आज अगर हम आवाज़ नहीं उठाते, अगर हम वो जगह पे नहीं जाते तो ये क्या, ये लोग क्या मजबूर होते? वहाँ पर 5 स्टार होटल हो जाता और थोड़े दिन के बाद 50 साल की लीज या 100 साल की लीज जो भी लीज रहती, उसके बाद हम बूढ़े हो जाते, हमारे जिम्मेदारियाँ होते, उसके बाद वो लीज प्रॉपर्टी प्राइवेट हो जाती, उसके बाद में कोई भी नहीं पहचानता वो प्रॉपर्टी को। तो बहरहाल ये मसले मसाइल अगर हम प्रेजेंट पे अगर नहीं उठाएंगे, अगर हमको समझ में आ जा रहा कि ये भाई ये प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी है, अगर ये जो है ना गैर ज़रूरी ये लोगों के अगर हाथ में अगर दे दी जा रही है, अगर हमको मालूम है, अगर हम देख के अगर अनजान हो जाएंगे, आने वाली नस्ल जो हमारी, वो लोगों को परेशानी होगी, वो लोगों को तकलीफ होगी। तो हमको चाहिए कि अगर हमारे आंखों के सामने अगर दिख रहा है कि वक्फ प्रॉपर्टी अगर वक्फ जायदाद जो है ना कोई दूसरे लोग ले रहे हैं, तो हमको आवाज उठाना पड़ेगा। तो अल्लाह के फजलो करम से जहां पर कब्रिस्तान की जमीन के ऊपर जो 5 स्टार होटल तामीर होने वाली थी, अल्हम्दुलिल्लाह वक्फ बोर्ड CEO की तरफ से रोक लगा दी गई है और अफजलगंज कि जो ज़मीन पे जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स जो तामीर होने वाला था उसके ऊपर भी रोक लगा दी गई है। तो ये HYC की ताकत है, HYC के नौजवानों की ताकत है, अल्हम्दुलिल्लाह ये सोशल मीडिया की ताकत है। तो इंशाअल्लाह जब तक अगर हमको जो भी दिखाई देगा, जुल्म हो या ज़्यादती हो या कुछ भी हो, इंशाअल्लाह HYC उसके ऊपर अपनी पकड़ बनाएगा और उन लोगों को झुकाएगा इंशाअल्लाह। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने वीडियो को शेयर किया और वायरल किया और उसके बाद वक्फ बोर्ड को मजबूरन रोक लगानी पड़ी। बहुत सारे प्रॉपर्टीज है,
बहुत सारे प्रॉपर्टीज है जो पीठ के पीछे जो है ना डीलिंग हो गई लाखों और करोड़ों में, जो हमको नहीं मालूम ना आपको मालूम। इंशाल्लाह HYC भी एक मुहिम चालू करेगा वक्फ प्रॉपर्टियों के ऊपर, इंशाल्लाह ऑल सिटी में हमारे माँ और बहनें रोडों के ऊपर किराया भीख मांग रही है तो हमारे वक्फ प्रॉपर्टी के जिम्मेदार वक्फ प्रॉपर्टियों को लीज पे दे रहे हैं। अगर वही अगर प्रॉपर्टी अगर हमारे माँ और बहनों को जो यतीम होंगे बेवाओं को बुला के अगर छोटे छोटे अगर मकानात अगर बना के देते तो यकीन मानिए सबके जिंदगियों में खुशी आएगी, सबके जिंदगियों में जो है ना राहत आएगी, हर वो चीज आएगी, अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी तकलीफ में नहीं होगा। मगर आज हमारे पास जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने से डरता है, क्यों? केसेस बुक हो जाते, FIR हो जाते, जेल को चले जाते आवाज उठाए तो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कौम के लिए लाखों बार नहीं करोड़ों बार चले जाएंगे, कोई बात नहीं। कितना जुल्म अगर ये हम पे करेंगे इंशाल्लाह हम उतना ही कामयाब होने वाले हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई HYC के जितने सपोर्टर्स हैं, जितने फॉलोअर्स हैं, जितने चाहने वाले हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, क्योंकि आप लोगों ने वीडियो को वायरल की और आप लोगों ने उन लोगों तक मेरी वीडियो पहुंचाई, मेरी आवाज पहुंचाई और उसके बाद वक्फ बोर्ड के जिम्मेदार को होश आया। बादशाह खान वालेकुम अस्सलाम, अली अब्दुल्ला तमीम जाफरी सलमान भाई अल्लाह आपको हमें और रसी हो, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर टास्क, जजाकल्ला। तो इंशाल्लाह वक्फ बोर्ड के जो भी प्रॉपर्टीज है इंशाल्लाह हम उसके ऊपर एक मुहिम चालू करेंगे, जहां जहां भी वक्फ प्रॉपर्टीज है हमारे पुराने शहर के माँ और बहनों को दो, माँ और बहनों को बनाओ घर बना के दो। जुडिशरी पावर 6 साल हो गए आने में है, रस्ते में है, कैसा आ रहा नहीं मालूम। जुडिशरी पावर के जो है ना खाबा देख लेते हुए, गोल्डन तेलंगाना के खाबा देख लेते हुए अब तक अपन बैठे हुए है ना, वो जुडिशरी पावर आया ना 12% रिजर्वेशन आया मुसलमानों का, मुसलमान वही है जुडिशियल जो हमारे वक्फ प्रॉपर्टी जो हमको जो जुडिशरी पावर मिलने वाली थी हम बहुत खुश थे, अरे चलो भाई वक्फ जायदाद को जो है ना जुडिशरी पावर मिलने वाली है, अरे हमारे जो हमारे कौम और मिल्लत के लिए जो फायदेमंद जो प्रॉपर्टीज है जो पैसा हमको मिलने वाला है अरे वो हमको मिल जाएगा, हमारी गुर्बत दूर हो जाएगी, हमारी परेशानी दूर हो जाएगी। यहाँ परेशानी जो है ना होलसेल में आ रही, वापस आ रही, परेशानी आ रही, तकलीफ आ रही, सब आ रही, जाना तो दूर की बात है। दिन ब दिन हमारी कौम हमारी उम्मत हमारी माँ और बहनें रोड के ऊपर उतर रही है और मजबूरी के हालत में हाथ फैला रही है। तो ये हालात कब ठीक होंगे? जब ही ठीक होंगे जब आप जैसे नौजवान बढ़ चढ़ के आगे आएंगे और कौम मिल्लत के लिए सोचेंगे और अपने अंदर एक हौसला पैदा करेंगे, एक हिम्मत पैदा करेंगे, किसी से नहीं डरेंगे सिर्फ सिवाय अल्लाह के, और उनकी बारगाह में ये सर झुकाएंगे, किसी के सामने झजर नहीं झुकाएंगे। अगर हम ये चीज अगर जबानी नहीं अगर ये अमल भी हो जाएगा तो मैं समझता हूं तब्दीली आएगी। अगर तब्दीली अगर नहीं अगर चाहते अगर ख्यालात में रहेंगे अरे भाई तब्दीली होना अरे ये होना वो होना तो बस खाली रोना, वो होना ये होना कुछ भी नहीं मिलता, सिर्फ रोना 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 रोना। अगर आवाज उठाएंगे तो ये लोग मजबूर होंगे, अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो वहीं रहेंगे बिस्तरों के ऊपर फोना ले लेके, वहीं चैटिंग कर लेते हुए, कमेंट सेक्शनों में गालियां दे लेते हुए, वहां पर मस्खरेपना कर लेते हुए, और यहां पर छिचोरापना होटलों में घूम गए, रातों रात निकल गए दोस्तों के साथ, बहरहाल अपनी टाइम जो है ना इसमें बिता दो, निकल जाएंगे 20 साल 40 साल 50 साल, उसके बाद में बीमारी, उसके बाद में खबर, क्या हासिल? सवाल होगा क्या हासिल? कुछ नहीं, नथिंग। हम ऐसी आ गए दुनिया में, ऐसी आए थे ऐसी वापस भी आ गए दुनिया से। तो बहरहाल तो और एक भाई पूछे सेक्रेटरीट की मस्जिद का, इंशाल्लाह 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 बहुत जल्द बहुत जल्द बहुत जल्द बहुत जल्द उसके लिए भी आवाज उठाई जाएगी इंशाल्लाह। जो पहले हमको करना है जो वक्तिया अगर हम ये चीज अगर नहीं कर सकते, जैसा कि हाल ही में एक मस्जिद के सामने भी कचरा था, और जैसा कि अब कब्रस्तान के ऊपर एक 5-स्टार होटल एक गंदी इमारत की जो है ना तामीरी काम चालू होने वाला था,
तो बहरहाल ये वक्तिया काम में हम मसरूफ थे, और भी कई काम हैं इंशाल्लाह सेक्रेटरीट की मस्जिद का। हम इंशाल्लाह बहुत ही बेसब्री से भी इंतज़ार कर रहे हैं इंशाल्लाह। उम्मीद है अल्लाह से कि अल्लाह हमसे वो भी काम लेने वाला है बहुत जल्द। दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुबहान तआला से कि हम जैसे नौजवानों को ऐसी हिम्मत दे, ऐसी ताकत दे कि हम कौम मिल्लत के लिए हम कुर्बान हो जाए, कौम मिल्लत के लिए हम शहीद हो जाए। तो बस दुआ करता हूँ कि हम कौम मिल्लत के लिए एक सोच पैदा करें ताकि आने वाले जो हमारे नस्लें हैं उनको तकलीफ़ ना हो। हम तो तकलीफ़ सह लेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमको इतना जज्बा दिया, इतनी हिम्मत दी कि ये सिर्फ गर्दन सिर्फ अल्लाह की बारगाह में झुकने वाली है, किसी के सामने नहीं, किसी के सामने नहीं। तो बस अगर आपको कुछ तब्दीली होना है, अगर कुछ आप चाहते हैं कि आप ये शहर में भाई ये होना है, तो आपको आवाज़ अपनी ज़बान से बोलना पड़ेगा, नहीं तो सिर्फ रोते बैठना पड़ेगा। तो बस वालेकुम अस्सलाम अब्दुल भाई, वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद इशाक, वालेकुम अस्सलाम तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग माशाल्लाह आप जो है ना वीडियो को इतना शेयर करें, और माशाल्लाह आप लोगों की दुआएं काम में आई हैं, आप लोगों का सपोर्ट ऐसे ही जारी रखिए इंशाल्लाह। ये भाई देख लेता पूरों को, इंशाल्लाह पूरों को देख लेता, टेंशन नहीं है, पूरों को देख लेता, मुकाबला कर लेता इंशाल्लाह, क्योंकि अल्लाह का साथ है, आप लोगों की दुआ है, बस इससे बढ़ के कुछ नहीं होना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।